स्क्रीन देख पा रहे हो ना आप लोग? यस स्क्रीन देख पा रहे हैं? सर। फाइन फाइन फाइन। सो आज का लेक्चर नंबर कितना हो जाना है? 11, 20, 3। ठीक है, टुडे विल सी जॉइंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग जॉइंट्स देखते हैं। Fine. The study of joint is called arthrology. The study of joints is called arthrology. Okay. So हमारे हड्डियों में अलग अलग प्रकार के joint present है, जैसे कि फिक्स्ड जॉइंट प्रेजेंट है, कार्टिलेज जॉइंट प्रेजेंट है, फाइन, एंड साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है। तीन प्रकार के जॉइंट प्रेजेंट है, PH, थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, है ना। ये तीन प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ मूवेबल, इमूवेबल, पार्शियली मूवेबल, फाइन। ये किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू मोबिलिटी, MOVEMENT, मूवमेंट ऑफ जॉइंट, फाइन। सो तीनों में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फिक्स्ड जॉइंट, इसको हम लोग कह सकते हैं इमूवेबल जॉइंट, और सिनेथ्रोसिस। सिनार्थोसिस, ठीक है, सिनार्थ्रोसिस। नेक्स्ट कार्टिलेजिनस जॉइंट, है ना, ये स्लाइटली मूव कर पाएंगे, डिटेल में देखते हैं। एंड द लास्ट वन इज साइनोवियल जॉइंट। है ना, साइनोवियल जॉइंट इट इज फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिक्स्ड जॉइंट फर्स्ट। है ना, फिक्स जॉइंट नाम से पता चल रहा है कि ऐसा जॉइंट होगा जो कि फिक्स्ड होना है, फाइन। दो बोन्स एक दूसरे से यदि आर्टिकुलेट किए हुए हैं, जॉइंटेड है, तो मूव नहीं करेंगे, फाइन। सच जॉइंट विच डू नॉट मूव एट ऑल, फाइन, थोड़ा भी मूव नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बोन, है ना, ये एक बोन है, बोन वन।
और इससे जुड़ा हुआ है दूसरा बोन, बोन टू से दिस इज बोन टू, ओके। और ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से इस तरीके से। ये जो जॉइंट है दोनों के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है ये कॉलाजिनस फाइबर होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कॉलाजिन फाइबर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे, फाइन। ये नॉन इलास्टिक होता है, थोड़ा भी इलास्टिक नहीं होता है, थोड़ा भी मूव नहीं कर पाना है, फाइन, ओके। यस सर। चलिए इसका एग्जांपल दे दे रहे हैं, इस प्रकार का जॉइंट। तो इस प्रकार का जॉइंट हमें देखने को मिलता है स्कल में, है ना। जो लॉब्स हमने देखा था, टेम्पोरल लॉब, फ्रंटल लॉब्स, पैराइटल लॉब्स, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन जॉइंट, दैट इज फिक्स्ड जॉइंट्स, है ना। तो एग्जांपल जॉइंट्स ऑफ स्कल पार्ट, है ना, दैट इज, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड स्विचेस, स्विचेस, है ना, इसको स्विचेस कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूं, स्कल जॉइंट, यहाँ पे तो दिख ही रहा था, ये देखो, ये स्कल दिख रहा है ना, स्कल के जो बोन है एक बोन दूसरे बोन के साथ जुड़ा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। तो उस पोर्शन को हम लोग कहेंगे स्विचेस, ठीक है, उसको हम लोग स्विचेस कहेंगे, सी 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 सी, देखिए, है ना, इसको स्विचेस कहेंगे, फाइन। इफ यू वांट टू लोकेट स्विचेस इन केस ऑफ प्लांट, आप लोकेट कर सकते हो, जैसे कि छेमी होता है, मटर छेमी होता है, मटर पी, है ना, पी को हम लोग कहीं से टियर ऑफ करके मटर निकालते हैं फ्रूट से, है ना। तो जो लाइनिंग होता है जहां से निकाला जाता है मटर के सीड्स को, उसको स्विचेस कहते हैं हम लोग, समझ पाए, ओके, दैट इज कॉल्ड स्विचेस, ठीक ना। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्विचेस वही है, ये हो गया स्विचेस ऑफ स्कल, क्यों ना? ऐसा रहता है, वो इमोविबल है, फाइन, एक स्ट्रक्चर रहता तो वो क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, ज्यादा मजबूत नहीं होता, है ना, उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती। मान के चलो एक जगह इम्पैक्ट पड़ा, है ना, वहां से फटना शुरू हुआ, तो हो सकता है एक एंड से फटना शुरू होगा, दूसरे एंड तक चला जाए, जैसे कि शीशा है, ग्लास है ना, एक जगह से यदि क्रेक होना शुरू होता है तो दैट क्रेक इज कैरीड आउट टू द लास्ट एंड, है ना। लेकिन यदि हम शीशे को छोटे छोटे पीसेस में डालें और क्रैक यदि हो रहा है तो एक ही एरिया के अंदर क्रैक होगा ना, बाकी सब तो एरिया बचे हुए रहेंगे, है ना। तो स्कल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शेल है जो कि हमारे ब्रेन को बचाता है ना। यदि फूटे, चोट लगे तो एक ही पोर्शन में वो इम्पैक्ट रह जाए, वो इम्पैक्ट दूसरे पार्ट में ना जाए, इसीलिए इस तरीके से बनाया गया है, फाइन, समझ में आया लॉजिक क्या है, सर, है ना, लॉजिक यही है, ठीक है, ये है। और मान के चलो ये हमारा जॉ सॉकेट है, जॉ सॉकेट, लोअर जॉ सॉकेट या फिर अपर जॉ सॉकेट को भी समझना है, समझे, है ना। इसके ऊपर जो दांत प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है ना, ये, ठीक है, दिस इज टूथ ना, सिंगुलर, ओके। तो यहाँ पे भी जो जॉइंट होगा दैट इज इमूवेबल जॉइंट, फिक्स जॉइंट, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉम्फोस जॉइंट, फाइन। इस जॉइंट को क्या कहेंगे, गॉम्फोस जॉइंट,
एग्जाम्पल टू गोम्फोस जॉइंट ऑफ टीथ एंड जॉ सॉकेट. फाइन, आगे आगे बढ़ते हैं, कार्टिलेजिनस पे आते हैं. ठीक है, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है. इट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. फाइन, ओके. जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट रहता है व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज. फाइन, इन जॉइंट सेक्शन ये थोड़ा सा मूवेबल होंगे. फाइन, जॉइंट सेक्शन व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज इज प्रेजेंट. Which is little bit flexible. ज्यादा नहीं, ठीक ना, थोड़ा सा टूटेगा नहीं. ओके, तो चलिए, ये वाला जॉइंट कहां पर प्रेजेंट रहता है, तो एक जगह बता रहे जहां पे प्रेजेंट रहेगा. सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रे, है ना, जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां पे इस प्रकार का जॉइंट्स को हम देख सकते हैं. For example, this is one vertebral column, one vertebral, और यहाँ पे हम बना रहे हैं दूसरा. है ना, this is one vertebrae. Second vertebrae. Okay, so one vertebrae is connected with another vertebrae with the help of a cartilaginous joint. Fine. So यहाँ के बीच के जो joint है वो slightly movable joint है. Fine. और इसको हम लोग बोल सकते हैं intervertebral disc. Vertebral disc is a cartilaginous joint. Is an example of cartilaginous joint बोल सकते हैं. Okay. आगे बढ़े. है ना, दूसरा example दे रहा हूँ. ये एग्जांपल, हाँ जी बोलो. साइनोवियल कैविटी क्या होता है? अभी पहुंचे वहां पे हम लोग, ठीक है. साइनोवियल अभी पहुंचे नहीं है. साइनोवियल शब्द अभी भी यूज करेंगे हम लोग मूवेबल जॉइंट में. नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ पीविक सिम्फाइसिस का. एग्जांपल टू, दैट इज प्यूबिक symphysis. So pubic symphysis is the joint present in pelvic girdle. है ना, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे, ये रहा pubic symphysis joint. यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डायग्राम? नहीं, क्लियर नहीं है. क्लियर हो जाओ.
यहाँ पे दिखेगा सही, हाँ देख पा रहे हो, तो हिप बोन्स है राइट एंड लेफ्ट, है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है एक पॉइंट पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट है इनके बीच में, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ में आया, आगे बढ़े? यस सर। ओके इट इज द जॉइंट ऑफ हिप बोन्स, फाइन, जिसको हम लोग प्यूबिक बोन्स कह सकते हैं, है ना, ऑफ पेल्विक गर्डल। नाउ अब आते हैं हम लोग साइनोवियल जॉइंट के पास। साइनोवियल जॉइंट ये मूवेबल जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इट इज फ्रीली मूवेबल। तो आप महसूस कर सकते हैं अपने हाथ पैर में पूरे एंटायर बॉडी में कि कौन से पोर्शंस फ्रीली मूवेबल है, वहां पे इस प्रकार के जॉइंट प्रेजेंट रहेंगे। फाइन, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं दो हड्डियों के बीच का, ठीक है, जो दर्शाएगा साइनोवियल जॉइंट को। ठीक है, बोन वन एंड बोन टू, दिस इज बोन, ये भी एक बोन होगा, दिस इज ऑल्सो बोन, उसके बीच में ना, इसको हम लोग कहेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है फ्लूइड, जिसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ऐसे साइनोवियल फ्लूइड, some cartilage is present at the base of these bones, है ना, आपने कभी देखा होगा जब आपने कभी किसी बर्ड का डाइसेक्शन करा होगा या फिर घर में रसोई में देखे होंगे, है ना, इस तरीके से। This is cartilage, atricular, hyaline cartilage. थोड़ा सा pliable होता है, movable होता है, दब सकता है, कहने का मतलब। And this everything is kept in a मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कह सकते हैं फाइब्रस कैप्सूल। फाइन, इसको फाइब्रस कैप्सूल कहेंगे। सो जहां पे भी मूवेबल जॉइंट होंगे वहां पे इस तरीके का बनावट देखने को मिलेगा, ये होना ही होना है। फाइन, साइनोवियल फ्लूइड रहना ही रहना है। साइनोवियल फ्लूइड हट जाने से क्या होता है, दो बोन्स के बीच की फ्रिक्शन बढ़ जाती है एंड दैट कॉजेस इन्फ्लामेशन। नाउ अब मूवेबल जॉइंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, है ना, दो बोन्स के बीच में कितनी डिग्री तक मूवेबल पॉसिबल है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 180, है ना, या 360, देखते हैं उसके बेसिस पे मूवेबल जॉइंट को, साइनोवियल जॉइंट को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट रखे हैं। On the degree of mobility,
ठीक ना, फ्लेक्सिबल जॉइंट, आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. है ना, जैसे कि पहला देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. है ना, ये मैक्सिमम क्या बोलेंगे, मोबिलिटी अलाउ करता है. फाइन, जैसे कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज वन बोन, इट हैज अ सॉकेट लाइक दिस. फाइन, दिस इज बोन के स्टेशनरी हो जाएगा. इसके पास ये सॉकेट प्रेजेंट है. फाइन, और इसके अंदर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से बोन. सर, एट्रिकुलर का क्या मतलब है? एट्रिकुलेट कहने का मतलब कोऑर्डिनेट करना, साथ में जुड़ा हुआ रहना, है ना, एक साथ रहना, कोऑर्डिनेट करना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेट. इसको हम लोग कहेंगे बॉल. सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये मैक्सिमम मोबिलिटी प्रोवाइड करवाता है. एग्जांपल दे रहा हूं, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लेनॉइड. ह्यूमरस एंड ग्लेनॉइड, ह्यूमरस कहने का मतलब हाथ, है ना, जो बाइसेप ट्राइसेप्स वाला पोर्शन है वो किया हुआ है हमारे फ्लैट बोन के साथ जॉइनिंग, है ना, H U M E R O U S एंड ग्लेनॉइड कैविटी. कल बताया था ग्लेनॉइड कैविटी के बारे में आप लोग. ठीक है, बिटवीन फीमर एंड एसिटाबुलम, बिटवीन फीमर थाई बोन एंड एसिटाबुलम. एसिटाबुलम भी एक कैविटी है जो प्रेजेंट रहता है हमारा पेल्विक गर्डल में. फाइन, ये सब हो जाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं हिंज जॉइंट. ठीक है, हिंज जॉइंट ये अलाउ करता है, हाँ क्या बोलेंगे, कितना डिग्री तक, जैसे हमारा एल्बो है ना, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा बैंड हो पा रहा है. ओके, अलाउस मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, अलाउस मूवमेंट ठीक है, एक ही प्लेन पे अलाउ होता है. ओके, दो प्लेन पे नहीं, एक ही प्लेन. समझ में आया? एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट. समझ में आया कि नहीं, या फिर से कुछ एग्जाम्पल देके बताऊं, एक्सप्लेन करूं? समझ में आ गया, एक ही प्लेन पे होने का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा हाथ है जो हमारे बॉडी के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं, चेस्ट के तरफ भी ला सकते हैं, पीठ के तरफ भी थोड़ा बहुत हम लोग खींच के ले जा सकते हैं, है ना, तो दो डायमेंशन में रोटेट कर रहा है. लेकिन जो एल्बो वाला जॉइंट है ये एक ही प्लेन में, है ना, बाइसेप्स की तरफ ही आ रहा है, नीचे जा रहा है, एक ही प्लेन पे, है ना. वहां से आप चाहोगे कि पेट की तरफ लेकर आए तो ये नहीं हो सकता, है ना. पेट की तरफ आने के लिए आपका ये ग्लेनॉइड कैविटी के वहां तरफ से मूवमेंट हो रहा है. फाइन, तो हिंज जॉइंट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है. है ना, इस तरीके से जैसे कब्जा होता है ना हमारे दरवाजे में, एक ही प्रकार का मूवमेंट प्रोवाइड होना.
इस तरीके से। ठीक है, नी जॉइंट, और हमारा जो उंगलियों का जॉइंट्स है ना, ये भी एक ही प्लेन पे मूव कर सकता है, इंटरफेलेंज जॉइंट। एग्जांपल तीसरा हो जाएगा इंटर जॉइंट। फाइन, नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरा पे, ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट में होता क्या है, एक बोन दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहता है। हियर वन बोन स्लाइड्स ओवर अनदर बोन, है ना। हमारे शरीर में मैक्सिमम ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, ह्यूमन has maximum number of joints of this type. Okay, थोड़ा बहुत मूव करना, जैसे कि हमारा पाम है, हथेली है ना, तो हथेली भी मूव हो पा रहा है। ठीक है, हथेली मूव हो पा रहा है, इसमें होता क्या है, एक बोन स्लाइड करता है दूसरे बोन के ऊपर। ठीक है, वर्टीब्रे भी है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है। फाइन, टार्सल्स कार्पल्स है ना, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं ये सब। ठीक है, एग्जांपल्स, joint between zygophysis of vertebrae जो कॉलम है ना, joint between carpal carpals, tarsals, है ना, जैसे कि फोटो दिखा रहा हूं। ये देखिए जो कार्पल है ना, इसको मूव करना होगा यदि, तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ही स्लाइड करेंगे थोड़ा बहुत, है कि नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं। If not, then do ask the questions. Next, oh, देखते sir. हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया? Okay, आपका जो कलाई है ना, ये कार्पल है, कलाई है। Fine, वहां पे कितनी हड्डियां हैं? देखो जरा, आठ है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हड्डियां है ना, तो इनका मूवमेंट कैसा होगा, देखो है ना, हर एक हड्डी कहीं ना कहीं दो तरफ से घिरा हुआ है, तो इसके अंदर भी तो मूवमेंट हो रहा है, तो किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, घिस रहे हैं। फाइन, एक दूसरे के ऊपर घिस रहे हैं, तो इस तरीके के मूवमेंट को ही हम लोग कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। हमारा हथेली है, पाम है हमारा, है ना, उसको भी हम ट्विस्ट करेंगे यदि, तो बोन का मूवमेंट हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहे हैं, और ये स्लाइट मूवमेंट होता है, ज्यादा नहीं होता है, जैसे कि घुटने का जॉइंट का तरह है ना, एल्बो का जॉइंट का तरह इतना मूवमेंट नहीं दिखता उसमें। नेक्स्ट इज एलिप्सॉइड जॉइंट। या फिर कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जॉइंट जो प्रेजेंट रहता है हमारे कॉन्डाइल्स के पास।
मतलब हमारा स्कल और वर्टिब्रल कॉलम जहां से अटैच हो रखे हैं वहां पे इस तरीके का जॉइंट देखने को मिलेगा. फाइन. और जॉइंट जो प्रेजेंट है हमारा मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच में. मेटाकार्पल और फेलेंजेस कहने का मतलब ये देखो जहां से येलो और ग्रीन आर्टिकुलेट किए हुए हैं, ग्रीन और येलो जहां से आर्टिकुलेट किए हुए हैं वहां पे भी इस प्रकार का जॉइंट देखने को मिलेगा. कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप ठीक है बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपका दो फिंगर है ना, ये एक फिंगर है ये दूसरा फिंगर है ना, इसके बीच में आपने एक तीसरा फिंगर लेफ्ट हैंड साइड का फिंगर आपने दबा के रखा है. करके देखो जरा, दो फिंगर लीजिए थंब के बाद, दो फिंगर है ना थंब के बाद फर्स्ट और सेकेंड फिंगर है ना, इसको थोड़ा सा ओपन करिए, लेफ्ट हैंड साइड का थंब के बाद वाला फिंगर लीजिए और इसके बीच में रखिए है ना, तो एक प्रकार का जॉइंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं, एक प्रकार का जॉइंट क्रिएट हो रहा है कुछ इस तरीके से इस तरीके से जो क्रिएट हो रहा है, इस जॉइंट को हम लोग कहेंगे कॉन्डिलर जॉइंट या फिर एलिप्सॉइड जॉइंट. फाइन. इसकी बनावट कुछ इस तरीके से होनी है. एक बोन ये हो गया, दूसरा बोन इस तरीके से होगा है ना, इसका मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में. ओके. एक और हम स्ट्रक्चर यहां पे बना दे रहे हैं. सर कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, मतलब इधर और इधर. जैसे कि आप अपना उंगली को मूवमेंट करिए, हथेली को स्टेशनरी रखिए और उंगली को मूव करने की कोशिश करिए है ना, किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्डिलर जॉइंट. वर्टिब्रल कॉलम में कुछ इस तरीके से कैविटी हो रहना है. ठीक है, दिस इज एटलस. फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम को एटलस कहते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रे को एटलस कहते हैं है ना. इसके साथ आर्टिकुलेट किया हुआ है हमारा स्कल. ठीक है, इसको हम लोग ऑसिपिटल कहते हैं. दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड ऑसिपिटल. पोर्शन नहीं, स्कल का ये जो पोर्शन है दैट इज ऑसिपिटल. ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कॉन्डाइल ऑफ वन बोन articulate with elliptical cavity of another bone. समझ में आया ये? Example दे रहा हूं, joint between atlas, पहला वर्टिब्रल कॉलम है एंड ऑसिपिटल. कल आप जो पूछ रही थी ज्योत्सना, यही है. ठीक है, ऑसिपिटल इज द पार्ट ऑफ आवर स्कल है ना,
वहां पे कोंडाइल्स प्रेजेंट रहते हैं. दिस एरिया कैन बी कॉल्ड एज कोंडाइल. इसको कोंडाइल कहेंगे जो बाहर निकला हुआ है लोब की तरह. दिस कोंडाइल इज द पार्ट ऑफ ऑसिपिटल लोब. मेटाकार्पल हथेली एंड फैलेंजेस अंगुलियों के बीच में. फाइन, आगे बढ़ते हैं. पांचवा सैडल जॉइंट. थोड़ा ऊपर करिए ना. हो गया सर. ठीक है. सैडल जॉइंट प्रेजेंट है कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. ठीक है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. ये कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, इसको सैडल जॉइंट कहेंगे. राइट हैंड साइड में जो दिख रहा होगा येलो कलर और ब्रिंजल कलर में, ठीक ना, थंब वाला, सिर्फ थंब वाला पोर्शन और कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे सैडल जॉइंट. ठीक है, सैडल जॉइंट का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, किस तरीके से दिखेगा. सर सिर्फ थंब में? हाँ हाँ, और भी बहुत सारे जगह पे होगा लेकिन सबसे अच्छा तरीका है अंडरस्टैंड करने के लिए थंब वाला. देखो इस तरीके से जॉइंट होगा और इसका मूवमेंट दो डायमेंशन में होगा, ठीक ना, दाएं बाएं आगे पीछे. जॉइंट ऑफ थंब देखो जरा कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं भी थोड़ा बहुत मूव कर पा रहे. ओके, इस तरीके से होता है सैडल जॉइंट. यहाँ पे देखिए सैडल जॉइंट दिखा रहे हैं, सैडल जॉइंट दिखा रहे हैं हम. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में जो जॉइंट है दैट इज सैडल जॉइंट. ठीक है, जिसे हम लोग घोड़े पे बैठते हैं ना, तो घोड़े पे बैठते हैं तो वी कैन मूव इन टू डायमेंशन. ठीक है, दो डायमेंशन में मूव कर सकते हैं. घोड़े के आगे पीछे पूंछ की तरफ लटक सकते हैं, बैंड हो सकते हैं, मुंडी के आगे लटक सकते हैं, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा और लेफ्ट हैंड साइड में. उसी के बेसिस स्पेस को कहा गया है सैडल जॉइंट, है ना. सैडल कहने का मतलब होता है घोड़े का ये जो बैठने वाला होता है ना, इसको सैडल कहते हैं. इस तरीके से सैडल. ठीक है, सैडल ऑफ हॉर्स, है ना. ओके, कुछ इस तरीके से होगा. एक हड्डी इस तरीके से हुई, दूसरी हड्डी कुछ इस तरीके से होगा. फाइन, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में भी होना है, इस डायरेक्शन में भी होना है, इधर भी होना है, इधर भी होना है. समझ पाए? समझ पाए? यस सर. इतना तुम लोगों को डायग्राम दिखा रहे हैं, हम लोग के समय में ऐसा कुछ नहीं था. नेक्स्ट पिवट जॉइंट. है ना, पिवट जॉइंट जैसे कि हम लोग रिंच, फाइन, जैसे कि रिंच हम लोग नट खोलते हैं ना, गोल वाले रिंच से, गोल वाले रिंच से हम लोग नट खोलते हैं कुछ इस तरीके से, है ना. तो इस तरीके से भी कोई जॉइंट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे पिवट जॉइंट. फाइन, जैसे कि ये रहा, कुछ जॉइंट में पेग लाइक स्ट्रक्चर है और यहां से एट्रिकुलेट किया हुआ है कोई दूसरा जॉइंट इस तरीके से, है ना. दिस इज बोन वन, दिस इज अनदर बोन. ओके, बोन हैज
पिग लाइक प्रोसेस, ठीक है। Another bone has a ring, है ना? तो example दे रहा हूं इसका, atlas and axis, दूसरा example हो जाएगा और radius and ulna, ठीक ना? एटलस और एक्सिस का डायग्राम मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये कहाँ गया यार, ये जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं हमारे वर्टिबल में, ठीक है। एटलस जैसे मैंने बताया था, द फर्स्ट वर्टिबल, द फर्स्ट वर्टिब्रेज इज वर्टिबल कॉलम इज कॉल्ड एटलस, सेकेंड वाली को एक्सिस कहेंगे, है ना? तो इस तरीके से देखेंगे, पेग लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है और उसके अंदर आर्टिकुलेट करेगा एटलस, फाइन। एक्सिस क्या है? सेकेंड सर्विकल वर्टिब्री, ये फर्स्ट सर्वाइकल, ठीक है। ओके फाइन फाइन फाइन, और कुछ रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना का दिखा दे रहा हूं, रेडियस एंड अल्ना भी कुछ इस तरीके से जॉइंट होंगे, ये देखो यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, ये देखिए इस तरीके से होता है रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट, देख पा रहे हो? इज इट विजिबल? हेलो, यस यस, फाइन फाइन फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ ये ऑफिशियल एपिसोड खत्म होता है, लीवर सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। लीवर सिस्टम, लीवर सिस्टम समझ रहे हो क्या होता है? फलकम, वेट, सर फिजिक्स वाला। हेलो, लीवर सिस्टम फिजिक्स में पढ़े होंगे, एक जगह फलकम होता है, एक जगह लोड होता है, एक जगह टॉक लगता है, समझ में आया? फलकम याद आ रहा है? कुछ क्लासेस में पढ़े होंगे, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। दिस इज फलकम, ओके। सीसो देखे हो ना? यस सर। ओके, यहाँ पे लोड प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लोड, और यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? एफर्ट डाल रहे हैं, है ना? यहाँ पे हम एफर्ट डाल रहे हैं। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे लीवर सिस्टम प्रेजेंट है, देयर आर थ्री टाइप ऑफ लीवर सिस्टम, क्लास वन, क्लास टू एंड क्लास थ्री। ये कॉन्स्टेंट होते हैं, चेंज नहीं होता है, फाइन। देखते हैं क्लास वन में फलकम कहाँ है, क्लास टू में फलकम कहाँ है और क्लास थ्री में फलकम कहाँ है, फाइन। अलग अलग ये जगह बदलते रहता है, लोड का कहीं कभी कभी लोड बीच में लगेगा, फाइन, कभी कभी फलकम साइड में लगेगा, कभी कभी एफर्ट बीच में लगेगा, ओके। इसके बेसिस पे तीन लीवर सिस्टम होते हैं, द थ्री लीवर सिस्टम आर आर क्लास वन, क्लास टू एंड क्लास थ्री, ठीक ना? तो पहले देखते हैं हम क्लास थ्री, सॉरी क्लास वन लीवर सिस्टम,
ठीक है, क्लास वन लिवर सिस्टम में क्या होता है, फलकम बीच में रहता है. ठीक है, हियर द फलकम इज एट सेंटर, हियर द फलकम इज एट सेंटर. फलकम वो एरिया है, वो पॉइंट है जहां से बेंडिंग होती है. ठीक है, फलकम वो रीजन है जहां से एक्चुअल में बेंडिंग होता है. सो फलकम कहां पर प्रेजेंट है इन केस ऑफ क्लास वन लिवर? सेंटर में, जैसे कि अभी हमने डायग्राम बनाया था सीसो वाला, है ना. ये हो जाएगा फलक्रम, इधर मान के चलो है वेट, लोड है ये, और इधर हम लोग क्या डाल रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं टू ब्रिंग दिस एट इक्विलिब्रियम या फिर ऊपर की तरफ. फाइन, फलकम कहां पर है? बीच में है, लोड और एफर्ट साइड में. तो इस तरीके का लीवर सिस्टम हमारे एनाटॉमी में कहां पे एग्जिस्ट करता है वो देखना है हमें. सो आप लोग बता सकते हो क्या इस तरीके का एनाटॉमी कहां एग्जिस्ट कर रहा होगा हमारे शरीर में? कैन यू से? हम तो बताएंगे लास्ट में. एनीवन? मैं बताऊं? यस सर. ओके, जैसे कि हम अपना मुंडी हिला रहे हैं, ठीक है, मुंडी हिला रहे हैं आगे और पीछे मैनर में, आगे और पीछे मैनर में. फाइन, तो हमारा ये मुंडी कहां से हिल रहा है, किस पॉइंट से ट्विस्ट हो रहा है? ये बीच से हो रहा है, ठीक ना. वो बीच वाला पोर्शन क्या है? फलक्रम है. बीच वाला पोर्शन क्या है? एटलस है. बीच वाला पोर्शन क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, है ना. वहां से आगे की तरफ भी बेंड हो रहा है, पीछे की तरफ भी बेंड हो रहा है. फाइन, ओके, तो हम बोल सकते हैं दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, है ना. ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया हमारा, और ये है हमारा स्कल पोर्शन. है ना, इस तरीके से फ्रंट बैक, है ना. तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फलकम यहां पर प्रेजेंट है. This is fulcrum, है ना. Effort हम कहां लगाएंगे? इस तरफ हम effort लगाएंगे, पीछे की तरफ. और load कहां पर है? इस तरफ load है. Fine, load बोलिए या फिर resistance बोलिए. Load या फिर resistance. मुंडी आगे की तरफ भारी है ना, आगे की तरफ झुका हुआ रह सकता है. Fine, हमें मुंडी को उठाना है, पीछे की तरफ करना है या सीधा करना है. Then we have to apply effort, है ना. पीछे की तरफ effort लगाएंगे तो हम सीधा हो जाएंगे. समझ पाए? Yes sir. ठीक है, nodding the head. इसको हम लोग कहेंगे. Effort कैसे बता देना? Effort कहने का मतलब ताकत लगाना, applying force to bring this up. Effort कहने का मतलब applying force from outside. अप्लाइंग फोर्स, जैसे कि इसको आप समझेंगे इस तरीके से, सीसो वाला समझेंगे आप, है ना. फलकम हो गया, यहाँ पे लोड है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मोटा सा आदमी बैठा हुआ है, दिस इज रेजिस्टेंस या फिर लोड, है ना. और इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ेगा. तो हमें मुंडी को नोज करने के लिए, हिलाने के लिए, फाइन, हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ से. कहने का मतलब यहाँ पे पीछे से, है ना, यहाँ पे हमें कुछ फोर्स लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा मुंडी स्ट्रेट हो जाए. एग्जाम्पल, नोडिंग ऑफ हेड. फाइन, नोडिंग ऑफ हेड. फाइन, ये सर्वाइकल हो गया. आगे बढ़े. शैल आई मूव टू अनदर वन? क्लास टू लीवर पे पहुंचे हम. ठीक है, क्लास टू लीवर में क्या होता है देखते हैं. ठीक है, एफर्ट बीच में आ जाता है. हियर द एफर्ट
इज एट सेंटर. फाइन, सेंटर में. तो यदि हम इसका बनाना चाहेंगे डायग्राम तो किस तरीके से बनेगा? रेजिस्टेंस और लोड इन द मिडिल. लोड बीच में है, फल्क्रम यहां पे हो गया, फाइन, ये हो गया फल्क्रम. यहां पे लोड है ना, एफर्ट हमें लगाना है ऊपर करने के लिए. फाइन, समझ में आया फल्क्रम कहां पर है? चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं. जैसे कि क्लास टू लीवर सिस्टम हम देख सकते हैं अपने शरीर में. जब हम अपने टोस पे खड़ा होना चाहेंगे, टो पे, ठीक है, पैर की अंगूठे पे यदि खड़ा होना चाहेंगे तब हम इस प्रकार का लिवर सिस्टम को इनकाउंटर कर सकते हैं. जैसे कि देखेंगे जरा, दिस इज आवर लेग, है ना, इस तरीके से. थोड़ा अच्छा लेग बनाते हैं. है ना, इस तरीके से. फाइन, फल्क्रम यहां पर है, यहां से ट्विस्टिंग होनी है. फाइन, ये रहा लोड, रेजिस्टेंस बोलिए या फिर लोड बोलिए, है ना. यदि हम अपने इस अंगूठों पे खड़ा होना चाहते हैं तो एफर्ट हमें इस तरफ लगाना पड़ेगा. फाइन, सो एग्जांपल दे रहा हूं इसका मैं, स्टैंडिंग ऑन टोस, स्टैंडिंग ऑन TOS, TOS, है ना. चलिए क्लास थ्री लीवर बता रहा हूं अभी मैं. क्लास थ्री लीवर के केस में क्या होगा? एफर्ट बीच में आएगा. हियर द एफर्ट, EFFORT कम्स इन सेंटर, कम्स एट सेंटर. फाइन, ओके ओके ओके, वेट वेट. रेजिस्टेंस और लोड इन द बीट हम क्या लिखे हैं? वेट, रेजिस्टेंस और लोड इन द मिडिल. अच्छा, लोड है ना यहाँ पे, लोड बीच में है ना, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन करेंगे. लोड बीच में आ रहा है यहाँ पे. फाइन, लोड बीच में आ रहा है. क्लास थर्ड में क्या जा रहा है? एफर्ट बीच में आ रहा है. फाइन, सही है. चलिए इसका भी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग. तो फल्क्रम साइड में होगा ऑब्वियसली. फॉर एग्जांपल ये रहा फल्क्रम, है ना. बीच में क्या आया? एफर्ट, मतलब हमें एफर्ट डाल के इसको कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ खड़ा करना होगा, ऊपर की तरफ मूव करना होगा. यहाँ पे लोड भरा हुआ है. फाइन, तो इस तरीके का लीवर सिस्टम का हम लोग कहेंगे क्लास थ्री लीवर सिस्टम. चलिए इसका डायग्राम बना रहे हैं, है ना. जैसे कि हमारा हाथ है, है ना, हमारा हाथ है ये. फाइन, ओके, हमारा हाथ में देखेंगे जरा, लोड कहाँ पर है? यहाँ पे लोड है, भारी हो रखा है ये. फाइन, ओके, फल्क्रम यहाँ पर है, इसी एंगल से ट्विस्टिंग होनी है. और हम लोड कहाँ लगा रहे हैं या फिर एफर्ट हम कहाँ लगा रहे हैं? ये हमारा बाइसेप्स है ना, इस तरीके से. ओके, मतलब हम एफर्ट लगाएंगे इस पॉइंट पे, एफर्ट, एफर्ट, एफर्ट बीच में आया. एफर्ट कहने का मतलब फोर्स, ताकत लगा रहे हैं, जिसके चलते क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा. ठीक है, एग्जाम्पल फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म. ये एग्जाम्पल हो गया क्लास थ्री लीवर का.
फाइन, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. नाउ डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस. सर शेयर होगा इतना? हाँ हाँ, लेट मी चेक, हो जाना चाहिए. हो सकता है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है और. आर्थराइटिस देख लेते हैं. डिजीज आर्थराइटिस क्या है? है ना, दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट. इन्फ्लामेशन, जोड़ों में दर्द होना. इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, है ना, इसको हम लोग कहते हैं आर्थराइटिस. इट इज ऑफ सेवरल टाइप. गाउटी आर्थराइटिस, जैसे कि यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाना, लास्ट टाइम में भी डिस्कस करा था, है ना. ऑस्टियो आर्थराइटिस, रेमेटोइड आर्थराइटिस, फाइन, ये मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ. इट इज ऑफ सेवरल टाइप. गाउटी, है ना, ये किसके चलते होगा? यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होगा हमारे ब्लड में, तब होगा. ठीक है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड इन द बॉडी, फाइन. ऑस्टियोआर्थराइटिस, सॉरी, ऑस्टियो बोन से लेने देना है. ठीक है, ठीक है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, फ्लूइड डिस्क खत्म हो जाता है, है ना. जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो बनाया था आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हरा कलर से बनाया था, इसमें वियर एंड टीयर हो जाता है, है ना. आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसमें वियर एंड टीयर हो जाता है. ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड wear and tear of articular cartilage running off of, या फिर बोलेंगे less amount of synovial fluid. नेक्स्ट, तीसरा देखते हैं. रेमेटोइड आर्थराइटिस, ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर समझाते हैं. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, होता क्या है? यदि हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी डिसऑर्डर से सफर करते हैं, है ना, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से हम सफर करेंगे, तो इस स्ट्रेप्टोकोकस को शरीर से हटाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना है. व्हाट दैट एंटीबॉडीज डज, दे हेल्प इन द इराडिकेशन ऑफ दिस स्ट्रेप्टोकोकस फ्रॉम आवर बॉडी. हटा तो दिए, लेकिन ये एंटीबॉडीज हमारे ही शरीर पे काम करने लगते हैं और हमारे ही शरीर के वाइटल पार्ट्स को डैमेज करने लगते हैं. तो ये एंटीबॉडीज साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगते हैं, जिसके चलते आर्थराइटिस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिमेटोइड आर्थराइटिस. समझ में आया? ठीक ना, ड्यूरिंग स्ट्रेप्टोकोकल
इन्फेक्शन इन पल्मोनरी ऑर्गन. समझ में आया कि नहीं? ड्यूरिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन पल्मोनरी ऑर्गन एंटीबॉडी. हाँ बोलो सर. स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरियम है जो हमारे पल्मोनरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है. स्ट्रेप्टोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कौन सा डिजीज कॉज करेगा? निमोनिया कौन से ऑर्गन का है डिजीज? लंग्स है ना. तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के चलते क्या हुआ, हमारा पल्मोनरी ऑर्गन इन्फेक्ट हो गया. उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बनाया है ना. स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एन एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इट अगेंस्ट दिस बैक्टीरियम. दिस एंटीबॉडी also attacks the synovial membrane leading to arthritis. समझ में आया है ना. autoimmune disease कहने का मतलब क्या होता है? autoimmune disease कहने का मतलब एंटीबॉडी मेरे को ही डैमेज करना शुरू कर दिया. फाइन, उसको कहेंगे हम लोग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. ठीक है, एक और डिसऑर्डर देखते हैं जैसे इसकी ऑस्टियोपोरोसिस है ना. ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में हड्डियां कमजोर होना बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द बॉडी या फ्रॉम बोन्स है ना. ये फीमेल के केस में ज्यादा देखने को मिलता है बिकॉज पैराथायरॉइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एक्सेस ऑफ क्या बोलेंगे कैल्शियम आयन को रिलीज करवाने के लिए है ना. ये सब चीज ज्यादा डिटेल में समझ आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में. फाइन, और क्लास 12 में बताएंगे. हियर बोन इजीली फ्रैक्चर्स. क्यों? क्योंकि हड्डी से ज्यादा कैल्शियम हट चुका है ड्यू टू excess loss of calcium from matrix by parathormone PTH. ठीक है, parathormone इसको कहते हैं. है ना. सी, जैसे ही फीमेल मेनोपोज पे आती हैं, उनमें एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम होने लगता है, खत्म हो जाता है. फाइन, और एस्ट्रोजन की कमी के चलते पैराथ हार्मोन है ना बढ़ जाता है, और पैराथ हार्मोन बढ़ने के चलते ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन in female after menopause. ठीक ना, PTH is not checked and hence more amount of calcium is released.
फ्रॉम बोन, है ना। कभी कभी आपने टीवी में भी देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के दौरान कहती होंगी वुमेन्स के केस में मेनोपॉज के बाद, है ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है उसके बाद ज्यादा ज्यादा कैल्शियम खत्म होने लगता है शरीर से, इसलिए एडवाइस किया जाता है कैल्शियम टैबलेट्स खाने के लिए, ठीक ना। सुने हो कि नहीं? आए दिन टीवी पे आते रहता है, जानते हो कि नहीं? Yes sir, women's hordicks. हाँ, women's hordicks, rich in calcium ना। Good, good, good. So, ये खत्म होता है यहीं पे। अब छोटा सा बचा हुआ है बोन पोर्शन में, मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी से। So, एनसीईआरटी ओपन करें, बोन वाले पोर्शन को देखें, है ना। दो कैविटीज के बारे में बताएंगे और डाइकोंडाइलिक क्या होता है, मोनोकोंडाइलिक क्या होता है बोन वो बताऊंगा, और सिफेलिक बोन्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। सो एनसीईआरटी ओपन करें बोन सेक्शन वाला। सर, नेल्स किससे अटैच होता है? नेल्स, नेल्स अटैच्ड है मसल से, और मसल्स फर्दर अटैच्ड है बोन से, ठीक ना। तो नेल्स और हड्डी के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसको मैं शेयर कर दे रहा हूं, बाद में करते हैं, पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, मेलस, इनकस एंड स्टेपिस, ये तीनों हो जाएंगे स्मॉलेस्ट बोन, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, इनकस एंड मेलस, एरोसाइकल्स कहा जाता है, जिसमें से आउट ऑफ दिस थ्री सबसे छोटा कौन सा बोन होगा जी? स्टेप्स। स्टेप्स, फाइन। वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ओसिपिटल कोंडाइल कॉइल डाइकोंडाइलिक, ठीक है। हमारे पास दो कोंडाइल्स प्रेजेंट रहेंगे, ह्यूमन हैज टू कोंडाइल्स, किस तरीके का, इस तरीके से, एक कोंडाइल ये हो गया, दूसरा कोंडाइल ये हो गया, है ना, ओके। और ये रहा वर्टिब्रल कॉलम, इस तरीके से, पहला एटलस, इस तरीके से, ये डाइकोंडाइल हो गए, है ना। जो डायग्राम मैं बनाया हूँ वो मोनोकोंडाइल है, वो मछली के केस में रहता है, फाइन। We have two condyles, so human being को dicondyle बोलते हैं। Fine, fine, fine. और देखो, इसे vertebral column 26 है, serially arranged है, unit column, vertebrae and dorsally placed, extended from base. कल देखो, पढ़ो ये सब। और कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे, spinal hollow. हाँ, each vertebra has a central hollow portion, neural canal through which the spine cord process. है ना, vertebral column में gap रहते हैं, और इसी gap के through spinal cord run किया हुआ है। The first atlas articulate with occipital condyle हो गया, हटा लंबा सर्विक 7 almost, ये सब बता चुका हूँ। हाँ, ये मुझे बताना था bicephalic का मतलब क्या होता है। It has two articulation surface on its dorsal end and is hence called bicephalic bones. Bicephalic bones कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे डायग्राम यहाँ पे। For example, this is one vertebral column. है ना, ये वन वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इससे रन किया हुआ है दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, फाइन। ये डोर्सल पोर्शन है, ठीक है, वेंट्रल नहीं, पीठ वाला रीजन है, फाइन। यहां से जुड़ा हुआ है बोन
कौन सा बोन? रिब्स. फाइन, रिब्स इस तरीके से. तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये रिब्स का कनेक्शन दो जगहों से है ना, एक इस पॉइंट से है, मींस यहां पर एक जॉइंट है और एक जॉइंट यहां पर है. फाइन, तो रिब्स का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, तो हमें देखने को मिलेगा कि इट हैज टू आर्टिकुलर रीजन है ना, एक आर्टिकुलेशन यहां पे हो रहा है, इस रीजन से हो रहा आर्टिकुलेशन, और दूसरा हो रहा है यहां से है ना, इस तरीके से. ओके, मींस इट आर्टिकुलेट्स विद टू बोन्स, टू वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए इसको हम लोग बाइसिफेलिक कहते हैं. बाई मतलब दो, बाइसिफेलिक रिब्स. देखिए यहां पे स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, सी सुपीरियर फैक्ट और इंफीरियर फैक्ट लिखा हुआ है ना. ओके, सो ये दो जगहों से आर्टिकुलेट किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बाइसिफेलिक बोन्स. ओके, शैल आई मूव? यस सर. बस यही था, और कुछ और था यहाँ पे, ग्लिनोइड कैविटी एंड एसिटाबुलम, और कुछ नहीं. ठीक है, एक्रोमियन. हाँ, बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी. एक्रोमियन इज अ प्रोसेस है ना, यहाँ पे एक प्रोसेस दिखेगा, इसको ये प्रोसेस को एक्रोमियन कहते हैं. लेट मी शो यू एक्रोमियन. एक्रोमियन, सी दिस प्रोसेस जो बाहर की तरह निकला हुआ है ना, इस प्रोसेस को हम लोग एक्रोमियन कहते हैं है ना. मोर और लेस इसी के ऊपर हमारा कॉलर बोन स्लाइड किया हुआ है, मतलब आर्टिकुलेट किया हुआ है. फाइन, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्रोमियन. ये अंदर की तरफ होगा. कहां पर था? द क्लेविकल आर्टिकुलेट विथ दिस. The dorsal flat triangular body of scapula and slightly elevated ridge called spines, which projects at flat expansion process called acromion. बोला था ना मैंने, collar bone उसी के ऊपर suspended रहता है, जैसे कि structure देख रहे हो है ना, इस structure के ऊपर collar bone present रहता है, collar bone. Fine. Shall I move? Yes, sir. ग्लिनोइड कैविटी शब्द यूज किया गया होगा यहाँ पे. ग्लिनोइड कैविटी कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है? हाँ, ग्लिनोइड कैविटी, जैसे मैंने बताया था, ग्लिनोइड कैविटी एक कैविटी है हमारे इसके अंदर, स्कैपुला के अंदर, जहां से ह्यूमरस अटैच रहता है. फाइन, Each clavicle has a long cylinder bone with two curvature. This bone is commonly called collar bone. बता चुके हैं. Pelvic girdle के पास भी है ना एक cavity रहता है, जिससे femur attach रहता है, जिसको acetabulum कहते हैं. Fine. और जो हमारा hips है, it is a collection of three bones, that is ilium, pubis and isthmus. Ischium, sorry. और ये तीनों जुड़े हुए हैं. फाइन, तीनों जुड़ के फ्यूज होके एक बोन बनाते हैं. एक पोर्शन ये हुआ, दूसरा पोर्शन एक इधर होगा, और दोनों जॉइंट किए हुए हैं पिविक सिम्फाइसिस से, दैट इज अ कार्टिलेज फाइब्रस जॉइंट, बता चुका हूं. सो ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पे. कल हम स्टार्ट करेंगे रिस्पिरेशन इन प्लांट्स. नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन.
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. सर एक बार एम लाइन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना. एम लाइन कुछ नहीं है, एम लाइन यहीं से बता दे रहा हूँ. एम लाइन इज नथिंग बट जैसे कि मान के चलो बहुत सारा मायोसिन है ना, तो उस मायोसिन को पकड़ के रखा गया है, उसी को एम लाइन कहा जा रहा है. जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं इस डायग्राम में, इसको कह रहे हैं एम लाइन. दिस इज कॉल्ड एम लाइन, है ना. सी दिस इज वन प्रोटीन, फाइन, इस तरीके से. दिस इज अनदर प्रोटीन, इस तरीके से, है ना. तो इनको बांध के रखा गया है, एक जगह से बीच में बांधा हुआ है, उसको कह रहे हैं हम लोग एम लाइन. द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस मायोसिन इज कॉल्ड एम लाइन. ठीक है, और कुछ? कितने लेक्चर में मैंने खत्म करा इसको? 4 लेक्चर्स में. यदि कोई क्वेश्चन नहीं है देन आई विल साइन ऑफ. थैंक यू सर. ओके ओके, विल मीट टुमॉरो. फाइन. कल कितने बजे क्लास है? कल कितने बजे है क्लास है? सर 5:10. 6:45. कल 5:10. टुमॉरो इज सैटरडे. यस सर 6:45. ओके एट 6:45. Fine. We'll meet tomorrow at 6:45. Okay? With plant respiration. छोटा सा chapter है, interesting है वो भी. चलिए. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Thank you.